दोस्तों जिस बाइक को आपने अक्टूबर 2019 में ख़रीदा है, अब आपने चाहे दिवाली पर ख़रीदा हो या फिर आपने धनतेरस पर ख़रीदा हो या फिर उससे पहले ख़रीदा है, तो सेल्स रिपोर्ट के आधार पर वो मोटरसाइकिल और स्कूटर किस नंबर पर आते हैं, कितना वो बिके हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको मोटरसाइकिल के बारे में बताऊँगा, फिर उसके बाद आपको स्कूटर के बारे में बताऊँगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको हमारा ये चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपकी इच्छा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। अक्टूबर 2019 की सेल्स रिपोर्ट के आधार पर 10वें नंबर पर है टीवीएस अपाचे, 34,059 बाइक ये टोटल बिक पाई है 2019 के अक्टूबर महीने में, और 2018 में ये बिकी थी 41,396 बाइक। और 9वें नंबर पर है रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350, ये बाइक बिकी है 38,936 बाइक, और 2018 में ये बिकी थी 46,148 बाइक। और 8वें नंबर पर है हीरो की ग्लैमर, ये बिकी है 40,896 बाइक, और पिछले साल 2018 में ये बिकी थी 80,627 बाइक। और 7वें नंबर पर है हीरो की पैशन, ये बाइक बिकी है 45,928 बाइक टोटल ये बिक पाई है, 2018 में ये बिकी थी 84,870 बाइक। और 6ठे नंबर पर है बजाज की CT 100, ये बाइक बिकी है टोटल 61,483 बाइक, पिछले साल ये बिकी थी 93,676 बाइक। और 5वें नंबर पर है बजाज की प्लाटिना, ये बाइक बिकी है टोटल 2019 के अक्टूबर महीने में 70,466 बाइक, और अक्टूबर 2018 में बिकी थी ये 74,064 बाइक। और 4थे नंबर पर है दोस्तों होंडा की सीवी साइन, ये बाइक टोटल बिकी है 2019 के अक्टूबर महीने में 87,743 बाइक, 2018 में बिकी थी 91,319 बाइक। और 3रे नंबर पर है दोस्तों बजाज पल्सर, ये बिकी है टोटल बाइक 95,509, और पिछले साल ये बिकी थी 90,363 बाइक। और दूसरे नंबर पर है हीरो की HF डीलक्स, 1,85,751 बाइक बिकी है 2019 के अक्टूबर महीने में, पिछले साल ये बिकी थी 2,312 बाइक। और नंबर वन पर है फिर से एक बार हीरो की स्प्लेंडर, 2019 के अक्टूबर महीने में ये बिकी है 2,64,137 बाइक, और अक्टूबर 2018 में पिछले साल ये बिकी थी 2,68,377 बाइक। तो दोस्तों आप लोगों ने 2019 के अक्टूबर महीने की मोटरसाइकिल की सेल्स रिपोर्ट देख ली, अब हम बात करते हैं स्कूटर कितने ज़्यादा बिक पाए हैं 2019 में अक्टूबर महीने में। तो 10वें नंबर पर है यामाहा का रे, ये बिका है 8,575 स्कूटर, पिछली बार 2018 अक्टूबर महीने में ये बिका था 11,918 स्कूटर। और 9वें नंबर की हम बात करें तो 9वें नंबर पर है हीरो का डेस्टिनी, ये बिका है 10,371 स्कूटर, पिछली बार ये बिका था 5,556 स्कूटर। 8वें नंबर पर है हीरो का मास्ट्रो, ये बिका है 11,807 स्कूटर, पिछली बार बिका था 33,053 स्कूटर ये बिका था। और 7वें नंबर पर है यामा का फसिनो, ये बिका है 12,272 स्कूटर, पिछली बार ये बिका था 23,188 स्कूटर। और 6ठे नंबर पर है हीरो का प्लेजर, ये बिका है 16,347 स्कूटर, पिछली बार ये बिका था 15,036 स्कूटर। और 5वें नंबर पर है TBS का एंटॉर्क, ये बिका है 23,842 स्कूटर, पिछली बार ये बिका है 23,600 2018 के अक्टूबर महीने में। और 4थे नंबर पर है दोस्तों होंडा का डियो, ये बिका है 36,939 स्कूटर, पिछली बार ये 43,860 स्कूटर बिका था अक्टूबर महीने में 2018 में। और 3रे नंबर पर है सुजुकी का एक्सेस, ये बिका है 53,552 स्कूटर, पिछली बार ये बिका था 45,090 स्कूटर। और दूसरे नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर है TBS जुपिटर, ये बिका है 74,560 स्कूटर, पिछली बार ये बिका था 1,02,132 स्कूटर। और एक बार फिर से नंबर वन पर है होंडा का एक्टिवा, ये बिका है अक्टूबर महीने में 2019 में 2,81,273 स्कूटर, पिछली बार ये बिका था 2,62,260 स्कूटर, तो इसकी बिक्री में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। तो आप लोगों ने स्कूटर और मोटरसाइकिल की सेल्स रिपोर्ट जान ली 2019 के अक्टूबर महीने की। तो दोस्तों 2019 की अक्टूबर महीने की सेल्स रिपोर्ट के आधार पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है हीरो की स्प्लेंडर प्लस। इस बाइक को लोगों ने ज़्यादा प्यार दिया है, सभी लोगों ने ख़रीदा है, तो ये नंबर वन पर हो पाई है। और स्कूटर की अगर हम बात करें तो स्कूटर में होंडा का एक्टिवा सबसे ज़्यादा बिका है, इसको लोगों ने ज़्यादा प्यार दिया है। तो यहाँ पर जो भी सेल्स रिपोर्ट थी वो मैंने आपको बता दी, और 2018 की भी मैंने आपको बता दी है कि पहले कितने बिके थे और अब कितने बिके हैं, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है वो मैंने
मैंने वेबसाइट से ली है, मैंने किसी कंपनी को या किसी शोरूम पर बार बार, जैसे सभी कंपनियों के शोरूम और कंपनियों को फ़ोन करके नहीं पूछा था कि कितने कितने आपके बिके हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट के आधार पर आपको जानकारी दी है, तो जो भी मुझे वेबसाइट से मिली है वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। पिछली वीडियो जो मैंने FZS वाली बनाई थी उसमें मैंने आपको माइलेज नहीं बताया था। तो दोस्तों FZS जो मेरी बाइक है वो मुझे 45 से 50 तक की माइलेज दे देती है। मैंने उसकी माइलेज टेस्ट की वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर उसको देख सकते हैं, मैंने उसमें भी आपको सारी चीज़ें बताई हुई है। तो अगर आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आपकी इच्छा है तो आप मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।